आप देख रहे हैं आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारे आज के इस नए प्रोग्राम में, जिसमें हम लाइव डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों के साथ। आज की बातें बच्चों के साथ, और इस वजह से ये एक बहुत ही फन प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं, और मेरे प्रेजेंटेशन में बहुत जल्द, थोड़ी ही देर में, मैं बच्चों को इंक्लूड करूंगा इंशाल्लाह। आप सब बच्चे लिंक देख सकते हैं जो दिया हुआ है। ज्वाइन करने के लिए आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करके आना होगा, और जो बच्चों का कैमरा ऑन है मैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा इंशाल्लाह ज्वाइन करने में। गर्ल्स के लिए रूल ये है कि आपको ज्वाइन करने से पहले स्कार्फ पहन कर आना है, हाँ इंशाल्लाह। चलिए तो आइए देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन आप सबके लिए। हमारे वालदैन, आवर पेरेंट्स, और बच्चों का एक बहुत ही करीबी ताल्लुक होता है उनके वालदैन के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स के ताल्लुक से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इंशाल्लाह देखेंगे आज के इस क्लास में, और शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह लुकमान में सूरह 31 आयत नंबर 14, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरे शुक्रगुजार बंदो बनो और अपने वालदैन के शुक्रगुजार बनो। थैंक मी एंड योर पेरेंट्स। तो हमें सिखाया गया है कि हम अपने वालदैन के शुक्रगुजार बने, हम उनका शुक्रिया अदा करें। तो ये एक बहुत कीमती बात है जो आज की क्लास में आपके सामने आई है, मैं आप सब बच्चों को उभारूंगा। चलो थोड़ी सी मेहनत होगी इंशाल्लाह, अभी कभी से याद करते हैं, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, के मेरे शुक्रगुजार बनो और तुम्हारे वालिदैन के। तो जो हमारे वालिदैन है उनके लिए हमें शुक्रगुजारी सिखाई गई है। तो आइए एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, इट्स एक्टिविटी टाइम। हमारी एक्टिविटी ये है कि हम कुरान की इस आयत को सिर्फ पढ़कर याद ही नहीं, लेकिन उस पर हम अमल भी करेंगे। जो हमें सिखाया गया, अल्लाह ने कहा कि शुक्रगुजार बनो मेरे और अपने वालदैन के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का ना शुक्रा है वो अल्लाह का भी ना शुक्रा है। हाँ, जो बंदों का ना शुक्रा है, शुक्रगुजारी नहीं करता, वो अल्लाह की भी ना शुक्री करता है। और ये हदीस सुनन तिरमिदी में है, हदीस सही सनद से है। पता क्या चला कि अगर किसी का जिंदगी जीने का तरीका यह है ना शुक्री, व्हाट इज ना शुक्री, ना शुक्री क्या है कि अल्लाह के कितने एहसान हैं, और इतने एहसान है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह नहल में सूरह 16 आयत नंबर 18, वइन तउद्दु नीमतल्लाहि ला तुहसुहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, इतने सारे एहसान, इतने सारे एहसान। अब ये सब एहसान लेने के बाद कोई कहे कि अल्लाह ने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, तो ये ना शुक्री है। तो हमें सिखाया गया कि हम शुक्रगुजारी रखें हमारे नेचर में, हमारी सोच में, हमारे बिहेवियर में, हमारे बर्ताव में, हम शुक्रगुजार बने। क्योंकि हम अगर लोगों के साथ शुक्रगुजार बनेंगे और शुक्रगुजारी अगर हमारा नेचर है, तो हम इंशाल्लाह अल्लाह के भी शुक्रगुजार बनेंगे। मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का ना शुक्रा हो वो अल्लाह का भी ना शुक्रा होता है। मतलब लोगों के पास से ले लेकर कभी थैंक यू नहीं, कभी जजाकल्ला खैर नहीं, कभी शुक्रिया नहीं, कभी उनके लिए दुआ नहीं, कभी कोई ऐसी चीज नहीं कि हम भी बदले में कुछ करें, उन्होंने हमारे साथ किया हम भी करें। अगर हमारा ऐसा एटीट्यूड नहीं है तो ऐसा ही एटीट्यूड हमारा अल्लाह के साथ भी हो जाएगा। जो लोगों के साथ ना शुक्रे हैं वो अल्लाह के साथ भी ना शुक्रे होते हैं। तो एक शख्स जब दुनिया में आता है तो वो देखता है अपने माँ बाप को, और माँ बाप के कितने एहसान है उस पर। तो माँ बाप को तो देख सकते हैं और तुम उनके साथ शुक्रगुजारी नहीं कर रहे हो, तो अल्लाह ताला जो गैब है, अनसीन है, युमिनूना बिलगैब, तो उसकी शुक्रगुजारी कोई कैसे करेगा, उसके लिए करना मुश्किल होगा। अगर जिन्हें देख सकते हैं, माँ बाप को देख सकते हैं कि माँ बाप कितना कुछ करते हैं बच्चों के साथ, और उन्हें देख करके अगर कोई बच्चा कहे नहीं नहीं मम्मी अब्बा ने कुछ नहीं दिया, तो फिर ये क्या है, ये बहुत बुरी बात है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इसे अपनी जिंदगी का रूल बनाए इंशाल्लाह। ये जो आयत आपके सामने कुरान की है, इसे अभी के अभी मेरे साथ याद करो, अनिश्कुर ली
वली वालिदैक, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, अल्लाह का हुक्म है कि तुम मेरे शुक्रगुजार बनो और अपने वालदैन के शुक्रगुजार बनो। तो जैसा मैंने कहा, हम सिर्फ थ्योरी नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह। और प्रैक्टिकल करने के लिए आप सब बच्चों को एक्टिविटी के लिए रेडी होना है, इट्स एक्टिविटी टाइम। तो स्टार्ट करते हैं, मैं कुछ बच्चों को मेरे साथ लूंगा इंशाल्लाह। फर्स्ट प्रेफरेंस वो बच्चों को दी जाएगी जो वीडियो कैमरा जिनका ऑन है, और सेकंड प्रेफरेंस में वो बच्चे जिनका वीडियो कैमरा नहीं भी ऑन है उन्हें सेकंड प्रेफरेंस में। स्टार्ट करते हैं मेरे साथ अफरा रुवैदा, हालांकि बॉय दिख रहा है, अफरा तो शायद गर्ल का नाम है। ओके, शायद आप अनम्यूट हैं। ओके, हुसैन खान, और मैं कुछ बच्चों को साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्ट्रीम में, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप हमारे आई प्लस टीवी के लाइव डिस्कशन विद किड्स के फर्स्ट बैच ऑफ किड्स हो, यानी जिनको हमने आई प्लस टीवी पे लाइव हम लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मोस्ट वेलकम। आज की एक्टिविटी क्या है? आज की एक्टिविटी ये है कि आपको बताना है जी, आपको क्या बताना है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, घर में बता दीजिए कि आप टीवी पर हैं और घर में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि अम्मी और अब्बा ने क्या किया। जैसे बाज लोग कहते हैं, अरे क्या किया अम्मी अब्बा ने, क्या दिया? तो यहां पे एक लिस्ट है, और सब बच्चे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं या चाहे बाद में देख रहे हैं, आप सबको मैं उभारूंगा। चलो पेन एंड पेपर हाथ में लो, पेन एंड पेपर हाथ में लो, मुझे इस तरह की एक लिस्ट देखना है कि अम्मी आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर, कि अम्मी से की शुक्रगुजारी आप क्या चीजों में कर रहे हो, और वो लिस्ट बनाना है आपको कि अम्मी ने क्या क्या किया है। और अब्बा आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर, कि मैं शुक्रगुजार हूं। हाँ, ये ग्रेटफुल की स्पेलिंग एक्चुअली जी आर ए टी है, लेकिन ग्रेटफुल इस तरह से एक लिखा गया है कि आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट इट। ये सबसे बेस्ट चीज है कि आई एम ग्रेटफुल, क्या चीज के ताल्लुक से, कि अब्बा ने क्या क्या किया है। एक देखने की बात है, आज भी देखेंगे, और दूरबीन लेके नहीं देखना है आपको, सिर्फ आंखें खोल के देखना है। तो जो कोई बच्चे आएंगे इंशाल्लाह स्ट्रीम में, मैं चाहता हूं आप लोग अपने जहन में सोचो कि अब्बा ने क्या दिया है, अम्मी ने क्या दिया है, और आप इंशाल्लाह यहां पर आकर डायरेक्टली बताओगे। स्टार्ट करते हैं, आप सबको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है, और कोई एक बच्चे की आवाज आ रही हो तो आप खामोश रहकर आप वेट करें कि वो जवाब देंगे, फिर आप बताइए इंशाल्लाह। स्टार्ट जी, और आपका नाम पहले बताइए, और ट्राई करिए कि कैमरा के सेंटर में आ जाइए, अगर आपका फेस आधा आ रहा है तो आप पूरे सेंटर में आ जाइए। वेरी गुड, माशाल्लाह जी, स्टार्ट करिए। जी, सवाल क्या है कि अब्बा ने क्या किया है, अम्मी ने क्या किया है, क्या आप एक एक चीज बता सकते हैं इंशाल्लाह? बोल, मेरी मम्मी सुबह, मेरी मम्मी ने कुछ अम्मी बता रही है। चलो आप सोचो, तब तक मैं दूसरे बच्चों को भी ले रहा हूं, और ऐसा करते हैं कि मैं और बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्वाइन कर रहा हूं सब बच्चों को। जी, हमारे पास अभी स्ट्रीम में 6 बच्चे जुड़े हुए हैं, हाँ कम से कम, क्योंकि किसी किसी जगह पर ज्यादा बच्चे भी है। जी, तो बताइए, स्टार्ट करिए, आपको एक एक पॉइंट बताना है इंशाल्लाह। हम लोग क्या कर रहे हैं आज, इसे प्रैक्टिकली इस पर अमल कर रहे हैं। किस आयत पर अमल कर रहे हैं? कि हम माँ बाप की शुक्रगुजारी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, अम्मी ने क्या किया है, अब्बा ने क्या किया है, स्टार्ट। कौन फर्स्ट शुरू बताना चाहता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। थोड़ा करीब आओ, माइक के करीब आओ, थोड़ा सा जोर से बोलो, खाना खाया आपने आज? जी, आपको ये नीचे वाला जो माइक का बटन दिख रहा है ना, उसे दबाकर अनम्यूट करना है और फिर बात करना है। जी शुरू, कौन फर्स्ट बताना चाहता है? डायरेक्टली बात करिए, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बात कर सकते हैं।
इतना सोचना पड़ रहा है, जरा सोचो, सब बच्चे सोचो। अच्छा मैं चैट में भी देखता हूँ कि अच्छे अच्छे जो चैट में जो लोग बताएंगे उनकी चैट हम स्क्रीन पे भी लाएंगे इंशाल्लाह। जी वालेकुम सलाम, बताओ अब्बा ने क्या किया आपके लिए, अम्मी ने क्या किया है, क्या आपने देखा है? मम्मा खाना बनाते है सारा काम। मम्मा खाना बनाते है सारा काम करती है। हाँ बताओ, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बनाते है और जोर से नमाज पढ़ना सिखाया, यानी अल्लाह की इबादत सिखाया, अल्लाह ताला के ताल्लुक से हम लोगों को सही बात सिखाई। ये सबसे बेस्ट चीज है जो माँ बाप बच्चों को दे सकते हैं, सबसे बेस्ट चीज। वेरी गुड माशाल्लाह। सेकंड पॉइंट, जी सेकंड पॉइंट क्या है? यस सेकंड पॉइंट, चलो सब लोग बताओ, एक एक पॉइंट बता बताकर आप लोग अपने। जी हाँ कैरी ऑन, हुसैन खान बताइए। अरे हाथ पकड़ने का, अब्बू हमें दुआ सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बा दुआ सिखाते हैं, अब्बू दुआ सिखाते हैं। जी और बताइए। वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक है। तो ऐसा करेंगे हम वन बाय वन बच्चों को लेंगे, हाँ बच्चों को हम वन बाय वन बुलाएंगे स्क्रीन पर, एक एक बच्चे को बुलाएंगे, उनकी बात सुनेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चे पे जाएंगे, ठीक है? तो ये अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो मैं सब बच्चों को निकाल कर हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जी ठीक है, फर्स्ट महरीन आप स्टार्ट करिए, फर्स्ट पॉइंट आप बताएंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट, सब लोग रेडी रहो। हाँ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बट मुझे जो सुनने में आया लिखना पढ़ना सिखाया। हाँ ये कहा आपने? सुरा पढ़ना सिखाया, माशाल्लाह सुरा पढ़ना सिखाया, कुरान पढ़ना सिखाया और लिखना पढ़ना भी कहा आपने? लिखना पढ़ना सिखाया। अभी आ रही है ओके okay, चलो माशाल्लाह जजाकल्लाह खैर महरीन। हाँ नेक्स्ट हम ले रहे हैं अफरा, अफरा रुवैदा। जी तुम्हारा नाम बताओ बेटा। यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ बताइए। मैंने मम्मी पापा मेरे को नमाज कुरान पढ़ना सिखाया। ठीक है, वेरी गुड माशाल्लाह। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, जैसे मिसाल दो एक, खुद दो, खुद सोचो, खुद सोचो। नमाज, स्कूल में कुछ जरूरतमंद, जैसे क्या कोई ख्वाहिश थी तुम्हारी कोई जो मम्मी अब्बा ने पूरा किए? जैसे मुझे साइकिल सीखना, मेरे को साइकिल सीखना था, वो साइकिल सिखाया। वेरी गुड माशाल्लाह, साइकिलिंग सिखाए तुम्हें। देखो कोई चीज हम लोग माँ के पेट से सीख के नहीं आते हैं, हमें सीखना होता है और कोई चीज सिखाने वाला कोई होता है, और लोग सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं जिसने सिखाया, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। आप सब बच्चों याद करो कि अगर आपको साइकिलिंग आती है तो आपको किसने सिखाया था, हो सकता है आपके अम्मी अब्बा ने सिखाया था। साइकिल खरीद के किसने दी, उसकी जगह किसने अवेलेबल किया जहां आप साइकिल कर सको, ये सारी चीजें जो है ना हमें सोचना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है ना, लोग देखते ही नहीं है, देखने के लिए आपको दूरबीन नहीं चाहिए, देखने के लिए आपको बस अपनी आंखों को खोलना है। वेरी गुड माशाल्लाह यूसुफ, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। चलो नेक्स्ट हम ले रहे हैं हुसैन खान। हाँ हुसैन बताओ, आप लोग अपना नाम बताओगे बच्चों, आप लोगों का नाम क्या है? नमाज पढ़ना सिखाते हैं। वेरी गुड, अच्छा सब बच्चों ध्यान दीजिए, जो पॉइंट आ गया है वो रिपीट ना करें, रिपीट ना करें। हाँ खाना खिलाते थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बहुत अच्छी बात बोले,
अपने हाथ से कब खिलाएं? अनम्यूट हो, अनम्यूट हो। अच्छा, और जब छोटे थे, जब आप बॉर्न हुए थे, बच्चे थे, जब पैदा हुए थे, तो खुद के हाथ से खाना खाते थे? नहीं, नहीं। अभी कितनी एज है आपकी? मेरी 9 है। 9 इयर्स है। तो आप सोचो 9 इयर्स में अभी भी कभी कभार आपके अब्बा खिलाते हैं, और पहले जब आप बहुत छोटे थे, और बहुत छोटे बच्चे खुद के हाथ से उठा के मुंह में डाल सकते हैं? नहीं। तो कौन खिलाता था? अम्मी अब्बू ही खिलाते थे। हाँ, अम्मी अब्बू खिलाते थे। तो ये बात को हमें याद रखना चाहिए, और हमें शुक्रिया कहना चाहिए, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि कितना किया है। अच्छा, आप खुद से बड़े हो गए या अम्मी अब्बा ने ख्याल रखा, आपको खाना दिया, और क्या दिया तब जब आप छोटे बेबी थे? छोटे बेबी थे, देखा बेबी को? देखा, कपड़े दिए। कपड़े दिए, वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। हमें स्किपिंग सिखाया। स्किपिंग भी आपको सिखाया, वेरी गुड। खिलौने भी दिए। हाँ, यानी सिर्फ एक्स्ट्रा चीजें जिससे खेल सके वो भी दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बताओ, हमें दीन के बारे में बताएं। दीन के बारे में सिखाया, माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए, वेरी गुड, माशाल्लाह, कीप इट अप, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने बताए, जज़ाकअल्लाह खैर। चलिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं रैयान शेख को। हाँ, रैयान शेख को। अच्छा, जो बच्चों का हो गया है वो लोग स्टूडियो से एग्जिट करें, तो दूसरे बच्चे इंशाल्लाह ज्वाइन हो सकते हैं। यस रैयान, आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मिला है आपको अम्मी अब्बा से, क्या क्या मिला है? आप लोगों का नाम भी बताओ। नकाब वाली गर्ल और बॉय, आप लोग अनम्यूट करिए अपने आपको। देखो माइक बना हुआ है नीचे, माइक माइक बना है, उसे अनम्यूट बटन दबाओ। हाँ बताओ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बच्चा, आपकी आवाज आ रही है, बताओ, आप पॉइंट बताओ, सब लोग सुन रहे हैं आपकी बात। अब्बू क्या क्या करते हैं आपके लिए? अम्मी अब्बू ने क्या दिया? क्या फिर से बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, अच्छे से बोलो। क्या लेकर आते हैं बताओ, फिर से बताओ। टॉयज। टॉयज लेकर आते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और क्या? मम्मा खाना खाते। हाँ, जोर से। रैयान, तुम्हारा नाम रैयान है? वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छे से ट्राई किया, माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ, नेक्स्ट हुमैद मिर्जा। हुमैद मिर्जा, चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं। ट्राई करो, अपना ही नाम लिखो आप लोग। हाँ, और इसके अंदर लास्ट एज एज लिमिट में गर्ल्स के लिए 11 इयर्स है, बॉयज के लिए 14 इयर्स है। यस बेटा, अब्दुल अजीज। यस, अम्मी अब्बा से क्या मिला है आपको? वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, क्या मिला है अब्बा अम्मी से आपको, क्या क्या मिला है लाइफ में, अब्बा अम्मी से क्या मिला है? हम लोग आज शुक्रगुजारी करने चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं अम्मी अब्बा को। जी, साइकिल, कार। साइकिल कब मिली? तुम्हारा नाम अब्दुल अजीज है बच्चा, तुम्हारा नाम अब्दुल अजीज है। ओके अब्दुल अजीज, ये बताओ, साइकिलिंग, साइकिल कब मिली तुम्हें, किस एज में मिली? अभी तुम्हारी एज कितनी है? 10। 10 इयर्स है। साइकिल कितने साल पहले मिली आपको? आप बताओ, जो भी आपको समझ में आता है बताओ, नो प्रॉब्लम। हाँ, 9 इयर्स की एज में मिली। अच्छा, उससे पहले क्या मिला?
उसके पास से पहले स्कूल में आपको किसने एडमिशन, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? सारा नंबर 10। ओके, तो स्कूल में आप खुद से गए थे एडमिशन लेने? स्कूल में आप खुद से गए थे एडमिशन लेने? आपकी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आप खुद से गए थे बेबी बच्चे के तौर पर, या कोई आपको लेके गया था? मम्मी, मम्मी लेके गए थे ना, तो वो आपको स्कूल से कुछ सीखने मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, आप स्कूल में सीख रहे हो, तो वहां जो लेके गए आपके पेरेंट्स उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ अच्छा, आप माशाल्लाह अभी जैसे ग्रो अप हुए हो, बिग हुए हो, हमेशा इतने बिग थे कि पहले स्मॉल थे? वीडियो आपकी अटक गई है, चलो वेरी गुड माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। यस फर्स्ट बेबी टियर्स, टियर्स क्या आप लोगों का नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माइल है। वालेकुम सलाम इस्माइल, और आपके बाजू में? कौन है? आयशा। आयशा, ओके। चलो आप लोग बताओ, आपको अम्मी अब्बा से क्या मिला है? अम्मी अब्बा से क्या क्या मिला है? प्यार, प्यार, प्यार मिला है, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। माँ बाप से प्यार मिला है, बचपन से प्यार मिला है, और प्यार की प्राइस क्या होता है? 10 रुपीज? कुछ भी नहीं, नहीं उसकी वैल्यू ही नहीं है, इतनी कीमती चीज है प्यार। हाँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज आपने बताया। और बताओ, और कुछ अच्छा बताओ, अम्मी अब्बा से क्या मिला है आपको? साइकिल, साइकिल। सब बच्चों की लगता है फेवरेट चीज साइकिल है यार। ओके और बताओ, और क्या मिला है? चॉकलेट्स, चॉकलेट्स। यानी सिर्फ खाना पीना नहीं, टेस्टी चीजें भी मिली है ना? खाना पीना तो मिला ही, आप वो गिनती नहीं कर रहे हो, खाना पीना मिला है चॉकलेट के अलावा? क्यों जरूरी क्यों है खाना पीना, क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग स्ट्रांग होते हैं, हम लोग जिंदा रहते हैं, है ना? खाना पीना मिलता है तो बड़े होते जाते हैं ना, खाना नहीं मिले तो क्या होता है मालूम है? आपने देखा है ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है तो वो बहुत थिन, बहुत सूख जाते हैं जैसे स्किन एकदम। तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना दिया है, अल्लाह ने माँ बाप को जरिया बनाया ना, अम्मी अब्बा करके, अम्मी अब्बा ही लाके खाना देते हैं ना बच्चों को। और खाने के साथ साथ आपने तो कहा चॉकलेट भी मिलती है, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ कीप इट अप माशाल्लाह, ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर, आप आए हम लोग हमारी स्ट्रीम में, इतनी प्यारी बातें कही। सैयद, सैयदा हमदा इलियास, तुम्हारा ही नाम है ये बेटा? ओके बताओ, आप क्या बताना चाहते हो कि क्या मिला है आपको? वालेकुम सलाम, थोड़ा सेंटर में आ जाओ कैमरे के। ओके हाँ यस बेटा बताओ। क्या मिला है अम्मी अब्बा से, क्या मिला है? खाना, यम्मी खाना। क्योंकि माँ बाप बच्चों के टेस्ट के हिसाब से खाना देते हैं। हाँ यानी अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की कोशिश ये होती है तो खाना मिले और हेल्दी खाना मिले और टेस्टी खाना मिले, वेरी गुड। और बताओ, अच्छा नाम रखे, माशाल्लाह अच्छा नाम रखे। हाँ अच्छा नाम भी बहुत अच्छा है ना, ये भी बहुत अच्छी चीज है और वहां से शुरुआत होती है। बहुत अच्छी बात आपने बताया कि माँ बाप जो नाम रखते हैं बच्चे का वो भी तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है माँ बाप की तरफ से। क्या बताओ, हमदा के माने बताइए? चलो आप और प्लान करो। हाँ मैं थोड़ी देर बाद आपको फिर से लूंगा इंशाल्लाह। ईसा है हमारे साथ, यस ईसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। यस ईसा, मम्मी अब्बा से क्या मिला है? चॉकलेट। चॉकलेट, चॉकलेट इज ऑल्सो बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट। यानी बच्चों को पूछा जाए क्या मिला तो
टॉप 5 लिस्ट में साइकिल और चॉकलेट आती है, मैंने ये देखा है। और क्या मिला है बच्चों, हम ये बस है और क्या मिलता है? टॉयज। टॉयज अल्हम्दुलिल्लाह। और बताओ और क्या, टॉयज से खेल सकते हैं, टॉयज से सीख सकते हैं, है ना, टॉयज से आप अपना टाइम यूज कर सकते हैं। और बताओ, और क्लोथ्स, हाँ अच्छा हाउस, हाउस भी तो मिलता है ना, काम। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हाउस के अंदर रह के क्या फायदा है, हाउस में रह के क्या फायदा होता है, अगर हाउस नहीं हो तो क्या होगा, अभी मॉनसून आ रहा है, बारिश आएगी तो क्या हो जाएंगे, कैसे की भीग जाएंगे, और भीग जाएंगे तो फिर क्या होगा, ठंडी लगेगी, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बा घर भी तो लाए दिए रहे ना घर, हाँ सब ये याद रखो, सब चीज दी हुई है अल्लाह की, लेकिन मम्मी अब्बा जरिया बनते हैं, हाँ मम्मी अब्बा जरिया बनते हैं। ओके, और क्या मिला है हाउस का होने का, और क्या फायदा है, ठंडी होती जब बहुत ज्यादा तो हाउस में रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वार्म रहते हैं, है ना, और सनलाइट बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है तो घर में रहते हैं तो प्रोटेक्टेड रहते हैं, है। ओके, और बताओ और क्या मिला है, एक लास्ट बात बताओ और क्या, ठीक है तुम सोचो, हाँ सोचो, कुछ और पॉइंट आए तो हाथ रेज करना, हाँ इंशाल्लाह, ठीक है, क्या, फुटबॉल, फुटबॉल माशाल्लाह, यस फुटबॉल भी मिला है मम्मी अब्बा से क्योंकि बच्चों के पास टाइम का अच्छा इस्तेमाल, फुटबॉल एक अच्छी गेम है, भागते हैं उसके लिए तो भाग करके बॉडी स्ट्रांग होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है गुड माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर ईसा। नेक्स्ट इब्राहिम बाकर नाम है, यस बेटा हाँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जी बताइए शेख, हम लोग को हमारे अम्मी अब्बू से मोहब्बत मिली है, हम लोग को घर घर मिला है, हम लोग को खाना मिला है, कपड़े मिले हैं, पानी मिला है, जूते मिले हैं, हम लोग को नए कपड़े मिले हैं, हम लोग को उनसे स्कूल मिला, हम लोग उसके अंदर पढ़ सकते हैं, हम लोग को नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ हम लोग को दिलाया है, हम लोग को बैकपैक दिया, हम लोग को अकीदा सिखाया, सीरत सिखाया। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर बीबी, जजाकल्लाह खैर बेटा, हाँ वेरी नाइस माशाल्लाह। अच्छा अभी हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट है हमारे साथ हलीमा, यस गर्ल्स के लिए मुझे यहाँ से बैक स्टेज से एक वो मिली कि गर्ल्स के लिए एज लिमिट रहेगी 11 साल, हाँ जो गर्ल्स 11 साल की हो गई हैं तो वो आए, और बॉयज के लिए 14 ईयर्स, हाँ इंशाल्लाह। ओके, हुमाम मोहम्मद आपका नाम क्या है बेटा, बताओ, मोहम्मद मोहम्मद हुमाम, ओके वेरी गुड माशाल्लाह। हुमाम बताओ आपको अम्मी अब्बा से क्या मिला है, क्या कह रहे हैं जवाब दो जी, अम्मी अब्बा से आपको क्या मिला है, फायदा, हम फायदा, क्या मिला है, फायदा फायदा फायदा, बेनिफिट, ओके क्या क्या फायदा मिला है, क्या क्या मिला है, अच्छे मैनर्स सीखे हैं, ओके वेरी गुड माशाल्लाह, गुड मैनर्स सीखते हैं, हाँ। और आपके बाजू में जो भाई है आपका, टोपी, कैसे हो, सीधा छोड़ो, हसन तो को दिखाओ ये कह रहा है, हाँ तो आप लोग भी बताओ, मां बाप से क्या मिला है, अस्सलाम वालेकुम, क्या मिला है माँ बाप से, ठीक है बहुत अच्छा माशाल्लाह, ठीक है जजाकल्लाह खैर। तो अब हम लोग करेंगे एक, अभी मैं बच्चों पे वापस आना आऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बहुत अच्छी बातें, कीमती बातें बताना चाहता हूं, और वो क्या है
ये सब देखने के बाद जो माँ बाप से मिला है, पैदा होने से पहले आप पैदा हुए ना, तो कोई आसमान से गिर के आए थे, एक बेबी आ गया आसमान से, जैसे बारिश आती है ना ऐसे एक बेबी आ गया, ऐसे आए थे नहीं। तो बच्चा कहाँ होता है? हाँ, माँ की कोख में होता है, माँ उसे संभालती है। हाँ, कितने मंथ्स तक? 9 मंथ्स तक बच्चा माँ की वोम में, माँ की कोख में होता है ना। और उसके बाद बहुत पेन के बाद बॉर्न होते हैं, बहुत तकलीफ से बॉर्न होते हैं। फिर अम्मी दूध पिलाती हैं, हाँ माँ दूध पिलाती है बच्चे को, और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होता है। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जैसे सुना होगा आपने कि कोई जंगल में बच्चा चला गया और फिर बड़ा होकर निकला, ऐसे नहीं होता है। बेबी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, टॉयलेट करे, पॉटी वॉश करना होता है, हाँ, और खाना खिलाना होता है, उसे दूध पिलाना होता है। जब स्ट्रांग होता है आहिस्ता आहिस्ता, गिरता है उठता है, संभालना होता है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सीखता है, हाँ, अम्मी अब्बा का हाथ पकड़ के चलता है, फिर खुद चलना सीखता है ना, बहुत कुछ। तो बच्चों को बहुत कुछ सिखाना होता है। तो हम लोगों ने ये एक्टिविटी की, इसमें एक्टिविटी में हमारा मकसद क्या था कि हम लोग ध्यान दें कि अम्मी अब्बा से क्या मिला, और बहुत सारी चीजें मिली, जो बच्चों ने गिनाया वो तो मिला ही, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिला। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अल्लाह के कमांड्स पेरेंट्स के ताल्लुक से क्या क्या हैं, चलो देखते हैं। हाँ, हम लोग आज कुछ कमांड्स देखेंगे, अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया, क्या कमांड्स दिया। कुरान की ये सूरतुल इसरा की आयत है, सूरा 17 की आयत नंबर 23। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब ने ये मुकर्रर किया है, ये कमांड दिया है, ये फिक्स किया है, क्या कि तुम नहीं इबादत करो सिवाय उसकी। इबादत किसकी करना चाहिए? सिर्फ अल्लाह की करनी चाहिए। वबिल वालिदैनी इहसाना, और वालिदैन के साथ इहसान करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। वालिदैन के साथ, पेरेंट्स के साथ क्या करना चाहिए? अच्छा सलूक, बेस्ट सलूक। इहसान किसे कहते हैं मालूम है? इहसान बेटर देन के, बेटर देन गुड, बेस्ट बिहेवियर, बेहतरीन बिहेवियर। आपके अंदर का बेस्ट बिहेवियर क्या है? आपके वालिदैन के साथ होना चाहिए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, अगर तुम्हारी जिंदगी में माँ बाप में से कोई अगर बूढ़ा हो जाए, ओल्ड हो जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहदहुमा और किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों अगर ओल्ड हो जाए, फला तकुल्लहुमा उफ्फिन, तो उन्हें उफ तक मत कहो, उफ तक मत कहो, क्योंकि ओल्ड पेरेंट्स जब होते हैं ना तो तबीयत खराब भी होती है, गुस्सा थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, तो तब उन्हें उफ तक ना कहो। और वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़को मत, यानी उन्हें झिड़को मत, उन्हें डिसरिस्पेक्ट के साथ उनके साथ बिहेवियर मत करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ इज्जत वाले अल्फाज से बात करो। तो प्यारे बच्चों, आप नोटिस करो कि अल्लाह ने ये फरमाया कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके बाद क्या चीज मेंशन किया अल्लाह ताला ने कि हम वालदैन के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा नहीं, बेस्ट, बेहतरीन सलूक करें, एहसान करें। तो यानी अल्लाह सुब्हान व तआला ने खुद के हक के बाद क्या चीज जिक्र की है? मां बाप का हक, कि मां बाप के साथ हमें बेस्ट बिहेवियर करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये बेस्ट किसे कहते हैं? बेस्ट ये कोई बच्चों में कौन आके बता सकता है? मैं चाहता हूं 2-3 बच्चे आए, और बच्चों में आप लोग जो बच्चों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपना बेस्ट। हां, मैं 4 बच्चों को ले रहा हूं इंशाल्लाह। हां जी, 4 बच्चों को मैंने लिया, कि आप लोग बताओ कि बेस्ट बिहेवियर जो यहां दिया है ना इस आयत में, कि तुम इहसाना, इहसान करो, यानी बेस्ट करो, ये बेस्ट का मतलब क्या है? आप लोगों को क्या समझ में आया? जी, और रॉन्ग आंसर देने के लिए कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ट्राई करो। हाँ, जो आपको बेस्ट समझ में आता है वो बताओ। हाँ इंशाल्लाह, डायरेक्टली अनम्यूट करो और बताओ। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे बच्चों को पूछूंगा इंशाल्लाह, या लास्ट में खुद ही बता दूंगा। ओके, कौन बताएगा? यस, अतीब जी, कौन बताना चाहता है? अच्छा, बच्चों में अगर कोई और बच्चा भी बताना चाहता है तो अपना हाथ उठा सकते हो, तो मैं आपको ऊपर ले लूंगा इंशाल्लाह। हाँ, यहां स्क्रीन में, यहां पे ऊपर ले लूंगा। ओके, ठीक है, यूसुफ
कौन जवाब देना चाहता है? हाँ जी जवाब दो, बोलो बोलो, कौन बताए कौन बताए क्वेश्चन, अब एक बार बोलो क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन फिर से बोलो। हाँ बोलो बताओ। हाँ यस निजा, कौन बताए? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बट माँ बाप के साथ बेस्ट बिहेवियर करो। बेस्ट का मतलब क्या होता है? इहसान का मतलब क्या होता है? इहसान का मतलब माँ बाप के साथ अच्छा बिहेवियर करो। अच्छा ये बताओ आप अच्छा बिहेवियर किसे बोलते हो? कोई मिसाल दो। जैसे एक होता है कि आप किसी को अच्छे से मिलो, ये अच्छा हुआ। बेस्ट क्या हुआ? कि आप स्माइल करते हुए मिलो। हाँ और बेटर क्या हुआ? कि आप कोई गिफ्ट के साथ मिल रहे हो, है ना? तो बेस्ट के लेवल होते हैं कि नहीं होते हैं? सोचो कोई आपसे मिलता है ऐसे मिल रहा है, हाँ? फिर एक है कोई स्माइल करके मिल रहा है, फिर कोई गिफ्ट के साथ मिल रहा है, हाँ? तो आपको कौन सा फिर और बेटर लगेगा? कोई बेटर लगेगा ना, और बेटर। तो आपका बेस्ट क्या है वैसा करना चाहिए माँ बाप के साथ। तो इस आयत के अंदर दिया हुआ है वह बिल वालिदैनी इहसाना, कि वालदैन के साथ इहसान करो, उनकी इज्जत करना चाहिए। उनकी इज्जत करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। अच्छा एक काम करिए, अच्छा एक काम करिए कि आपका आपके माइक में आपके पीछे YouTube नहीं खुला होना चाहिए। जब आप यहाँ पे आओ ना तो YouTube बंद कर दिया करो, नहीं तो मेरी आवाज डबल आ जाएगी। जी ठीक है। हाँ और कौन? यस वो बिल वालिदैनी इहसाना। मैं चाह रहा हूं ये चीज पे गौर करते हैं कि वालदैन के साथ एहसान करो, अपना बेस्ट करो। मालूम है आजकल बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? आजकल बच्चे लोग इज्जत भूल रहे हैं कि माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, माँ बाप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आजकल बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि बड़ों की इज्जत करना ही भूल रहे हैं। लेकिन इस्लाम सिखाता है कि माँ बाप के साथ उन्हें वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ इज्जत वाले अल्फाज से बात करो। ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मालूम है? रिस्पेक्ट का मतलब कौन बताएगा? यस रिस्पेक्ट का मतलब कौन बताएगा? बच्चे अलाउड है, एक शायद अब्बा भी दिख रहे हैं आज की स्ट्रीम में, सिर्फ बच्चे अलाउड है। मैं कह रहा हूं ये है कि माँ बाप के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करो। तो रिस्पेक्ट का मतलब कौन बताएगा? रिस्पेक्ट का मतलब कौन बताएगा? इज्जत, इज्जत। अच्छा आप बताओ कि इज्जत से बात कैसे करते हैं? कैसे बात करते हैं इज्जत से? बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? कौन बताए? तमीज से बात करना चाहिए। वेरी गुड माशाल्लाह। और बताइए। माँ बाप का कहना मानना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह, कहना मानना चाहिए, हाँ ये भी रिस्पेक्ट है ना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ इज्जत वाले अल्फाज से बात करो। तो मानना भी तो एक बात बहुत अहम है। यस हुसैल, हुसैल खान, सॉरी अपना नाम, आपका नाम क्या है बेटा जो आप फिंगर उठा रहे हो? उनसे नानी से बात करना चाहिए। हाँ मेरा एजाज शेख, मुसैबा मोहम्मद इमरान शेख। ओके ओके, हाँ बताओ बेटा मेरा क्या बता रहे थे पॉइंट? वेरी गुड माशाल्लाह। हाँ ना आप पॉइंट क्या बता रहे थे? उसे खान फैमिली से, उनसे नानी से बात करना चाहिए, नरमी से बात करना चाहिए। वेरी गुड माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों कुरान की आयत आपके सामने है, अल्लाह सुभान व तआला ने ये हुक्म दिया है कि इबादत करो किसकी? इबादत करो सिर्फ अल्लाह की। वबिल वालिदैनी इहसान, वालिदैन के साथ अच्छा बिहेवियर करो। तो ये चीज बहुत सारे लोग आज मिस कर जाते हैं और हम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। जो लोग मिस करते हैं तो नुकसान किसका करते हैं? खुद का नुकसान करते हैं। तो आइए ये कुरान की आयत के अंदर जो दिया है इसको ध्यान से पढ़ के, इसको इतना अच्छे से पढ़ते हैं कि इसको हमारी सोच का हिस्सा बनाते हैं। हाँ
अल्लाह ताला ने खुद के हक के बाद में ये कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, जमीन पर किसके बारे में बताया, माँ बाप के बारे में। और क्या सिखाया अल्लाह ताला ने हमें कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, बेस्ट बिहेवियर करो, अगर दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उफ तक मत कहो, उन्हें झिड़को मत, लेकिन उनके साथ इज्जत वाले अल्फाज से बात करो। तो ये एक बहुत प्यारी बात है कुरान की तालीम, और ये शुक्रगुजारी है। और आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, और मैं चाहता हूं, मैं तीन बच्चों को ले रहा हूं, आप लोग जवाब दो। हाँ, आप लोग मुझे मेरे सवाल का जवाब दोगे? हाँ इंशाल्लाह, तीन बच्चे यहाँ स्क्रीन पे ला रहा हूं मैं। ओके, हाँ, मेरा सवाल ये है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा अच्छा करो, हाँ आप किसी के साथ अच्छा करो और सामने वो आपको अगर आपके साथ बैड बिहेवियर करे, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा, हाँ आपको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि हमने उनके साथ अच्छा किया, उनने हमारे साथ बुरा किया। तो आपको बुरा लगेगा। तो सही बात क्या है ना, माँ बाप बच्चों के साथ बहुत सारा अच्छा करते हैं, थोड़ा नहीं बहुत सारा अच्छा करते हैं। ये सारी चीजों के बाद अगर हम अगर बैड बिहेवियर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह ताला ने बताया वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ इज्जत वाले रिस्पेक्ट वाले वर्ड से बात करो, उनके साथ बेस्ट बिहेवियर करो, एहसान करो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सब बच्चों जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, सबके सब बच्चों के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में ना बच्चे बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। हमारे जमाने में जितना रिस्पेक्ट था, हमारे अम्मी अब्बा के जमाने में बड़ों का जितना रिस्पेक्ट करते थे, आज क्या होते जा रहा है कि जैसे टाइम जा रहा है बच्चे आज ट्रेंडी समझते हैं माँ बाप के साथ बैड बिहेवियर, जबकि माँ बाप इतना कुछ करते हैं। तो हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, आप लोगों को लगता है क्या हम लोगों को नहीं करना चाहिए? आप सब सोचो कि अल्लाह ताला के कितना एहसान है, माँ बाप अल्लाह ताला ने हमें दिया और माँ बाप हमारा केयर करे, कोई ऐसे ही बड़ा नहीं हो सकता है। आप इतने बड़े हो, इतने स्ट्रांग हुए हो, अल्हम्दुलिल्लाह आज बात कर रहे हो यहाँ प्रोग्राम में आके टीवी पे, तो ऐसे ही नहीं हो गए आप बिग। अल्लाह ताला ने माँ बाप को जरिया बनाया, माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं, छोटी से छोटी नीड, बीमार होता है बच्चा डॉक्टर के पास जाना होता है, हाँ तबीयत खराब होती है तो माँ बाप को फिक्र होती नहीं होती है? हाँ माँ बाप को क्या फिक्र होती है कि नहीं होती है बच्चों की? हाँ होती है। बच्चों को लेकर कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं, तो बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड है कि तुम क्या रहोगे, शुक्रगुजार रहोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सब अल्लाह पे ईमान वाले हैं। एक्चुअली अगर आप इस आयत पर गौर करोगे ना, ये आयत के अंदर जो दिया हुआ है, हाँ ये जो आयत में दिया हुआ है कि जो ईमान का तकाजा एक तरह से है कि हमारा जो ईमान है ना, हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, ईमान का तकाजा है कि हम माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने अपने ईमान और अपनी इबादत के बाद जो जिक्र किया वो है माँ बाप के साथ अच्छा बिहेवियर करना। तो हमें ये बात समझना है कि माँ बाप के साथ अच्छा करना है किसके लिए, माँ बाप के साथ क्यों अच्छा करना है, कौन बताएगा? हाँ माँ बाप के साथ किसके लिए अच्छा करना है बिहेवियर, कौन बताएगा? सब बच्चे, मैंने सब बच्चों को लिया वेरी गुड माशाल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए। वेरी गुड, अल्लाह को राजी करने के लिए। हाँ अल्लाह को राजी करने के लिए हम लोग क्यों करना है, हमें किसके लिए, किसके लिए, कौन बताएगा? अल्लाह को राजी करने के लिए। अच्छा ये बात क्यों जरूरी है मालूम है, ये बात क्यों जरूरी है मालूम है? क्योंकि बाज बच्चे हैं ना, सोचते हैं अब्बा चॉकलेट देंगे, अम्मी चॉकलेट देंगे, इसलिए मैं अच्छा कर रहा हूं। क्यों अच्छा कर रहे हैं, अब्बा अम्मी चॉकलेट देंगे इसलिए, या क्या होना चाहिए आप बताओ? मैंने कुछ बच्चों को ऐड किया है,
अब्बा मम्मी चॉकलेट देंगे इसलिए अच्छे रहना चाहिए, चॉकलेट की लालच में? नहीं, 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 नहीं। हाँ किसके लिए? हमारे खुद के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे खुद। क्यों, किसके लिए? जो भी देता है अल्लाह देता है। हम लोग अच्छे रहे किसके लिए? अच्छे रहे हम लोग किसके लिए? अच्छे रहे माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए, अल्लाह के लिए। वेरी गुड माशाल्लाह, अल्लाह के लिए। चलो सब बच्चे ध्यान दो, मैं आप सबको बता रहा हूं कि हमें किसके लिए करना है मालूम है? अच्छा, हमें करना है अल्लाह के लिए, हमें अल्लाह के लिए अच्छा करना है। क्यों करना है? क्योंकि अल्लाह ने हमारे साथ बहुत एहसान किया, अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, हमने उन पर ईमान लाया। कुरान में इतनी प्यारी तालीम है, अल्लाह ताला की तालीम यहां पर है कुरान में, और हम अल्लाह के सामने जाकर खड़े होने वाले हैं कयामत के दिन, सब के सब हम लोग अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं, और हमें हिसाब और किताब हमारा होगा। और ये एक सवाल पूछा जाएगा कि तुम अपने वालिदैन के साथ कैसे थे, क्योंकि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? वबिल वालिदैनी इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, बेहतरीन सलूक करो, अच्छे रहो, बेस्ट रहो वालिदैन के साथ। फिर अगर कोई अच्छा नहीं है तो अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह को क्या जवाब देगा? तो हमें किसके लिए करना है अच्छा? अल्लाह के लिए करना है। चॉकलेट मिले ना मिले, हाँ हमें किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह के पास जब हम जाएंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? और आपको पता है, आपको पता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कयामत के दिन हिसाब में तराजू रखा है, एक तरफ सारी नेकियां होंगी, दूसरी तरफ सारे गुनाह होंगे। तो अगर कोई शख्स माँ बाप के साथ बुरा है तो ये उसके गुनाह है और गुनाह का वजन आ रहा है, और माँ बाप के साथ अच्छे हैं तो ये नेकी है। और नेकियां ज्यादा हो जाएगी, जब नेकियां ज्यादा हो जाएगी और गुनाह कम होंगे, नेकियां हमारी भारी होगी, तो हम कहां जाएंगे? जन्नत। और जन्नत में कितनी चॉकलेट आपको मालूम है? जन्नत में तुम्हें कितनी चाहिए? लहुमा यशाउना फीहा, उनके लिए है वहां जो चाहेंगे सब कुछ मिलेगा, अल्लाह की तरफ से जो चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग आज जो बात कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, डू यू नो, आज बच्चों के लिए ये जो कमांड है ना बहुत टफ कमांड बनते जा रहा है, उनको बहुत मुश्किल लगता है ये कमांड। लेकिन हकीकत क्या है? ये अल्लाह की तरफ से फर्स्ट कमांड है अल्लाह की इबादत के बाद, वो है वबिल वालिदैनी इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। तो मैं आप सबको उभारूंगा कि किसके लिए कर रहे हैं हम अच्छा? अल्लाह के लिए। हाँ अल्लाह के लिए हमें अच्छा करना है, क्योंकि हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है, हमें नेकियां चाहिए, हमारा तराजू भारी हो जाए और फिर हम लास्ट में पहुंच जाएं जन्नत। और जन्नत जाएंगे तो वहां हमेशा रहना है, अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए जन्नत देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए एक और आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर हम आज के लिए आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया वक्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, और उनके सामने झुकाओ, झुकाओ अपनी रहमत से, अपने बाजू को झुकाओ, यानी कि हम्बल बनो। हम्बल, हम्बल का मतलब मालूम है? मां बाप के सामने छोटे बनो। छोटे का मतलब इज्जत से बात करो, छोटे बन के बात करो, हम्बल बन के बात करो, यह सिखाया गया। अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या फरमाया कि अपनी रहमत से, तुम्हारी जो रहमत है, जो अल्लाह ने हमारे अंदर रहमत डाली, मां बाप के लिए रहमत होनी चाहिए कि मां बाप हमारे इतना करते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें उनके सामने कैसे रहना चाहिए? हम्बल बन के रहना चाहिए, छोटे बन के रहना चाहिए। जैसे कुछ लोग माँ बाप के साथ बड़े, अपने आप को बड़ा बताते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, मैंने ही किया। छोटे बन के बात करो, इज्जत से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, हम्बल बन के बात करो। हाँ और क्या करो? वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ करो उनके लिए कि ऐ मेरे रब उन दोनों पर रहम कर जैसा उन दोनों ने मेरा ख्याल रखा जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था उन लोगों ने मेरा ख्याल रखा, तो उस तरह से तू भी मेरा ख्याल रख। तो हमें यह सिखाया गया कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें अपने माँ बाप के लिए। हम लोग ये दुआ के बारे में और भी बातें देखेंगे इंशाल्लाह आगे की हमारी क्लासेस में। तो वालदैन के ताल्लुक से
हम ये बात भी देखते हैं एक और, ए आप देखो कितनी बड़ी बात यहां दी गई है, सूरह लुकमान की आयत नंबर 15 है, वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बिमा लैसा लका बिही इल्म, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हुक्म दे, कोशिश करें कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, फला तुतीहुमा, तो उनकी बात नहीं मानना। यानी कोई हराम काम अगर माँ बाप, किसी के माँ बाप होते हैं ना, उनको पता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, और कोई गलत काम करने बोल रहे हैं, झूठ बोलने बोल रहे हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने बोल रहे हैं, शिर्क करना या कोई गलत काम करने अगर माँ बाप बोलें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फला तुतीहुमा, उनकी बात वहां पर क्या करो, नहीं मानो। वो सोहिबहुमा फिर दुनिया मारूफा, लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छे तरीके से रहो। यानी ऐसे माँ बाप जो बच्चों को शिर्क करने कहते हैं, अल्लाह के साथ औरों को शरीक करने कहते हैं, ऐसे माँ बाप भी हो अगर किसी के, तो उनकी वो बात नहीं मानेंगे, लेकिन दुनिया में उनके साथ कैसे रहेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे। हाँ, अच्छे तरीके से रहेंगे। ये अल्लाह ताला ने हमें सिखाया और हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा जो मेन लेसन था, आज जो हम चाहते हैं कि एक चीज आज की क्लास से लेके जाओ, वो ये है शुक्रगुजारी, बीइंग ग्रेटफुल, माँ बाप के साथ शुक्रगुजारी करना। हाँ, अच्छा एक और एक्टिविटी करते हैं, अभी एक्टिविटी ये करते हैं कि ये दुआ याद करते हैं, जो दुआ हम लोगों ने अभी पढ़े ना थोड़ी देर पहले, चलो अभी याद करते हैं सबके सब, सब बच्चे, रब्बिरहमहुमा, रिपीट विथ मी, मेरे साथ दोहराओ, रब्बिरहमहुमा, हमहुमा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ऐ मेरे रब उन पर रहम कर, उन दोनों पर रहम कर, हाँ जिस तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा जब मैं छोटा था, हाँ जब मैं छोटा था तो ख्याल रखा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अच्छा मैं बच्चों को एक एक्टिविटी और बताना चाहता हूं आज के लिए, कि हम सब एक छोटी मिनी बुक बनाएं, एक छोटी मिनी बुक बनाएं, और अगली क्लास में हम अगली बार जब मिलेंगे इंशाल्लाह, तो मैं चाहता हूं कि आप बच्चों में से आप बच्चे ये टॉपिक पर अपनी बुक इंशाल्लाह बताओ, अपनी बुक बताओ, हम लोग इंशाल्लाह आपकी बुक बाकी बच्चों को बताना चाहेंगे, आप आ करके वीडियो में टीवी पर इंशाल्लाह अपनी बुक बताओगे। ये मिनी बुक का मकसद क्या है, आप और आपके माँ बाप, तो आप और आपके माँ बाप का के साथ ताल्लुक से कुरान में क्या दिया है, हदीस में क्या दिया है। मैं इंशाल्लाह तकरीबन 3 क्लास तक बच्चे और माँ बाप के ताल्लुक से अलग 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 बातें बताऊंगा, बच्चों और माँ बाप के ताल्लुक से डिफरेंट डिफरेंट चीजें। आज हमने क्या कवर किया, आज हमने कवर किया कि अल्लाह की शुक्रगुजारी करो और माँ बाप की शुक्रगुजारी करो, बीइंग ग्रेटफुल, थैंकफुल, शुक्रिया कहना, थैंक यू कहना, जज़ाकल्लाहु खैर कहना, दुआ करना। हाँ, और हमने एक दुआ सीखे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अच्छा आप बच्चों में से कौन ये दुआ आकर यहाँ पे पढ़ के सुना सकता है, कौन, जरा हाथ उठाओ। हाँ यस बच्चा, अपने आप को अनम्यूट करो। कौन सी दुआ, एक दुआ आई थी ना स्क्रीन पे, कौन पढ़ के सुना सकता है? वेरी गुड माशाल्लाह, मेरे पास यहाँ कुछ गिफ्ट होने चाहिए देने के लिए, ऐसे ही वर्चुअल गिफ्ट। वेरी गुड माशाल्लाह, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो ये एक्टिविटी, ये मिनी बुक क्या है, मैंने बताने बोला किसे क्लिक हुआ है, मिनी बुक क्या है, ये मिनी बुक क्या है, यस ये कौन सी मिनी बुक बनाने बोल रहा था, छोटी बुक, क्या बुक है ये, लास्ट नेक्स्ट टाइम बताना है आप लोगों को, अपनी अपनी बुक बताना है इंशाल्लाह। हाँ, तो ये मिनी बुक में क्या होगा, आप और आपके अम्मी अब्बा, आप और आपके अम्मी अब्बा, सब बच्चे ध्यान से सुनो, आज की इस प्रोग्राम से होमवर्क आप लोगों के लिए, होमवर्क, और वो होमवर्क क्या है, एक छोटी सी मिनी बुक बनाइए, उसके अंदर आपको ये लिखना है, ये क्या लिखना है, लिस्ट,
अब्बा से क्या क्या मिला, अम्मी से क्या क्या मिला? आज तो मिक्स मिक्स बता रहे थे, अब्बा मम्मी दोनों का मिक्स था। सच्ची कि नहीं? अच्छा ये जो छोटी लिस्ट है, बुक है, आप लोग बनाएंगे इंशाल्लाह? हाँ यस, ये बुक बनाना है आपको इंशाल्लाह। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको स्क्रीन पर बड़ा करता हूँ, सिर्फ ये दिखेगा, एक मिनट। सब लोग ये लिस्ट देख लो एक मिनट, सब बच्चों को मैं एक बार रिमूव करता हूँ, अपने आप को भी रिमूव करता। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड, आप लोगों ने यहीं पे याद किया। हाँ वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक है। चलिए मैं अपने आप को भी यहाँ से रिमूव, ओके तो जब तक ये लिस्ट बड़ी हो रही है, ये आपको ये लिस्ट बनाना है कि अब्बा से आपको क्या क्या मिला है, अम्मी से क्या क्या मिला है। मैं जरा बड़ा करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। यस स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हाँ इमेज ले लो स्क्रीनशॉट सब लोग। और ये मिनी बुक के अंदर आपको कुरान की आयत लिखनी है जो हमने बताया। हमने आज कौन सी आयत स्टडी की है? हमने खास तौर से एक आयत सूरतुल इसरा सूरा 17 की आयत नंबर 23 एंड 24 हमने पढ़े। हाँ और इसके अंदर इस मिनी बुक में क्या लिखना है आपको, ये दुआ, ये पहले कुरान के अल्फाज, अनिश्कुरली वली वालिदैक, अनिश्कुरली वली वालिदैक। और क्या करना है इसके अंदर, ये दुआ लिखनी है, कौन सी दुआ, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो आज की क्लास में हमने ये सब बातें की। अब लास्ट में किसी को कोई सवाल पूछना है तो सवाल जवाब के लिए हम लोग इंशाल्लाह 5 मिनट और रुकेंगे। किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप सब यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह, जिसको सवाल पूछना है वो यहाँ आ सकते हैं। बच्चों में से जो ऑलरेडी बैक स्टेज में, किसी को सवाल पूछना है तो आप हाथ उठाओ। हाँ हाथ उठाओ जी, मैंने स्क्रीन पे रखा है ताकि आप लोग याद कर लो। आज इस दुआ को याद करके जाओ इंशाल्लाह, आज इस दुआ को याद करके जाएंगे इंशाल्लाह। ओके हाँ, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ हम लोग 3 सवाल लेंगे इंशाल्लाह और हमारा प्रोग्राम आज का एंड करेंगे जी। यस बेटा, एवरी डे कितना कितने टाइम पे है पर क्या क्लास करने की पूछी? ये प्रोग्राम एवरी वीक कब रहेगा? हमारा एवरी मंडे होगा इंशाल्लाह, एवरी मंडे रात को 9:30 से 10:30 इंशाल्लाह। ओके वही एक, और किसी को सवाल पूछना है चैट में भी आप लोग सवाल अपना कह सकते हैं, भेज सकते हैं। किसी का कोई सवाल, 2 और सवाल मैं लूंगा। एनी अदर क्वेश्चन? यस, माँ बाप हमें क्यों डांटते? माँ बाप हमें क्यों डांटते? ओके जो माँ बाप डांटते हैं ना, तो कभी कभार डांटते हैं इसलिए ताकि हमें करेक्ट करें। कि मान लो कि कोई बच्चा रॉन्ग कर रहा है, कोई आग से खेलने जा रहा है बच्चा, और माँ बाप उसे कह रहे हैं रॉन्ग हेड, डांट रहे हैं उसे मत करो, तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। मतलब माँ बाप डांटते हैं तो बच्चे के लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। आग से खेलने देना चाहिए कि नहीं? नहीं। हाँ अब देखो बाहर बच्चे बाहर जा रहे हैं और माँ बाप जानते हैं कि बाहर डेंजर है, बाहर व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, बाहर स्ट्रेंजर्स होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो माँ बाप कहते हैं बाहर मत जाओ, और फिर भी कोई बच्चा बाहर जा रहा है, तो अच्छे के लिए है बुरे के लिए है? बुरा। मतलब बच्चे के अच्छे के लिए है कि बच्चे के बुरे के लिए है? बच्चे के अच्छे लिए। अच्छे के लिए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है माँ बाप इंसान है कि रोबोट है? रोबोट देखा आपने? इंसान है ना, तो कभी ऐसा भी हो सकता है माँ बाप कभी नाराज हैं और गुस्सा हो गए, तो बच्चे क्या करेंगे माँ बाप के साथ, कैसे रहेंगे? अच्छे करेंगे। इंसान हम्बल, वला तन्हरहुमा अल्लाह ने कहा, उन्हें झिड़को मत, उन्हें बुरी बात मत कहो, उनके साथ बैड बिहेवियर मत करो, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करो। तो अगर माँ बाप कभी अपसेट है और ऐसे ही किसी बच्चे पे नाराज हो गए ऐसे ही, तो बच्चे को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए।
वो माफ कर देना चाहिए। हाँ, अल्लाह ने कहा एहसान करो ना, बेस्ट बिहेवियर करो, तो बेस्ट बिहेवियर के हिसाब से बच्चे को क्या करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए कि मम्मी की तबीयत खराब थी या मूड अच्छा नहीं था या अब्बा का मूड अच्छा नहीं था। कभी ऐसे भी डांट दिए बेवजह तो भी उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम सब किसके पास वापस जाने वाले हैं, अल्लाह के पास। और अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, माँ बाप के साथ कैसे रहो, एहसान, बेस्ट रहो। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट सवाल आज का, कौन लास्ट सवाल पूछना चाहता है? ओके, यूसुफ। यस यूसुफ, मेरे ख्याल से हम लोग नेक्स्ट टाइम सवाल जवाब के लिए थोड़ी ज्यादा देर टाइम देंगे इंशाल्लाह। हाँ, बच्चों के भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। जी यूसुफ, अपने आप को अनम्यूट करो। आप कुछ एक्टिविटी फिर से कैसा करना, एक्टिविटी फिर से बता सकते हैं? हाँ, एक्टिविटी क्या करना है ना, आपको एक छोटी सी बुक बनानी है। हाँ, एक बुक बनानी है, और वो बुक आपके पास आगे भी रहेगी, मिनी बुक। जो मिनी बुक के अंदर आप और आपके अम्मी अब्बा, ये बुक के अंदर टॉपिक क्या है, आप और आपके पेरेंट्स, वालदैन। तो पेरेंट्स के ताल्लुक से क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपकी अम्मी ने क्या 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 किया आपके साथ, आपके लिए। सब लिखो कि अम्मी ने बर्थ दिया, हाँ, अम्मी के कोख में थे, यानी जब अम्मी प्रेग्नेंट थी तो आप वहां अंदर थे। हाँ, आपको खाना कहां से मिल रहा था, अम्मी के अंदर से मिल रहा था खाना। अम्मी वीक होते थे जब आपको खाना मिलता था, तो उन्हें उन्हें उनके अंदर से, यानी ब्लड के जरिए बढ़ता है बच्चा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, फिर अम्मी ने दूध पिलाया। आप ये लिस्ट बनाओ। क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें शुक्रगुजार बनना है, क्योंकि हमें ग्रेटफुल बनना है, क्योंकि हमें थैंक यू कहना है, जजाकल्ला कहना है। हाँ, जजाकल्ला खैर कहना है। तो लिस्ट बनाओ कि अम्मी ने क्या क्या किया, अब्बा ने क्या क्या किया, और उसके बाद में ये सब चीजें जो है ना, जैसे अनिश्कुरली वली वालिदैक, हाँ, ये लिखो, या जो हम लोग क्लास में याद करेंगे इंशाल्लाह, आप वो सब लिखेंगे इंशाल्लाह। ये बुक का पर्पस है आप और आपके माँ बाप, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो ये लिखेंगे आप इंशाल्लाह, और उसके अंदर, बुक के अंदर ऐसी छोटी छोटे चीजें आप डालेंगे। हाँ, और अगर आप ये भी डाल दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनी इहसाना, इतना, वबिल वालिदैनी इहसाना। और मम्मी अब्बा से हेल्प भी ले सकते हो आप इंशाल्लाह ये बुक बनाने में। हाँ, ठीक है, आगे मैं और एक्टिविटीज भी दूंगा इंशाल्लाह आगे के दिनों में। तो चलिए बच्चों, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। तो हम लोग आज की क्लास, हमारे आज की ये डिस्कशन को खत्म करते हैं। आगे के दिनों में मैं बहुत कीमती और बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूं आप सब बच्चों के साथ। आज का मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं, शुक्रगुजारी, माँ बाप के साथ एहसान, बेस्ट बिहेवियर, अच्छा सलूक हमारा। हाँ, और उनके लिए दुआ, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, क्योंकि जो बड़े भी हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं, उन्हें भी तो अपने माँ बाप के साथ शुक्रगुजारी करना चाहिए। अगर आपके माँ बाप हैं तो अच्छा सलूक करिए, और माँ बाप जा चुके हैं तो उनके लिए बहुत दुआ करिए, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसी के साथ हम एंड करते हैं आज की क्लास, आज के इस डिस्कशन को, लाइव डिस्कशन विद किड्स को। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए, अल्लाह हम सबको नेक और सौले बनाए, उसके हुक्मों को पूरा करने वाला बनाए, लोगों के साथ अच्छा बनाए, अल्लाह का भी अच्छा बंदा बनाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।